साथीला चाललंय मैदानामध्ये। विवेक आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्ग पर गोलंदाजीसाठी सज्ज झालाय अमित साळगावकर। पंचांचा सामना सोडायचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय आणि गोलंदाजी मार्गावर महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये सज्ज आलाय पहिलं पॉवर प्लेचं षटक घेऊन। अमीर स्ट्राईकला पुन्हा जे नॉन स्ट्राईकला विवेक ही जोडी मैदानावर। पहिला चेंडू क्लीन बॉल्ड पुन्हा जिकेल गुटकर बॅक टू द पॅव्हिलियन जशी सुरुवात मैदानावर भूमी स्ट्रायकर अस्तुना क्रिकेट संघानं केली होती गोपाळ भट्टला माघारी परतवलं होतं तशी सुरुवात मैदानावर ध्रुव ऑरियस फारसम क्रिकेट टीमच्या गोट्यातून अमीर साळगावकरनं केली मैदानावर। थँक्यू मांद्रेम चॅम्पियन ट्रॉफी महत्वाचा सामना दोन संघांसाठी। जो संघ विजय होईल तो सेमी फायनलमध्ये प्रवेश करेल तो सामना मैदानावर क्वार्टर फायनलचा सामना मैदानावर। पहिल्या चेंडूवर क्लीन बोल्ड झालाय अमीर साळगावकरनं संघाच्या हुक मेक केला संघाच्या रन मशीनला माघारी परतवलाय आणि नवीन खेळाडू मैदानावर समीर आपल्याला पाहायला मिळतोय। पुणाजी गेला आणि पुणाजी परत तसा झालाय शून्य धावसंख्येची बॅग घेऊन तो माघारी परतलाय। सर्व सामन्यांमध्ये सुंदर कामगिरी आणि महत्त्वाच्या सामन्यात नमस्कार केलाय पुणाजीनं। आडव्या बॅटनं पटका खेळण्याचा प्रयत्न धावचित्चा खेळतो एका खेळाडू माघारी परतवा लागेल दुसरा गडी मारतोय कॉल चुकलाय अति काही संकटात नाही वेग बॅक टू द पॅव्हिलियन डीज। शून्य धावसंख्येवर दोन गडी माघारी परतल्यात मुंबई स्ट्रायकर अस्तुला क्रिकेट संघाचं क्लीन बोल्डच्या स्वरूपात पुणाजी सलामीची बिनीची जोडी शून्य धावसंख्येचा भोपळा घेऊन माघारी परतले आहे। विशांत संघाचा कर्णधार मैदानामध्ये पाऊल टाकतोय समीर याच्या साथीला। सुरुवात या मैदानावर केबिलवाडे परिस्थिती आपण पाहतोय भूमी स्ट्रायकर्स अस्तुला क्रिकेट संघाची ध्रुव ऑरियस फारसम क्रिकेट संघ या मैदानावर लढत अतिशय सुरेख या मैदानावर क्षेत्ररक्षण सुंदर लक्ष्मण रूप भटू स्क्रीनला परतीची पेक धावचीच्या स्वरूपात माघारी परतवलाय विवेक माघारी परतलाय हलक्या हाताने घेऊन काढण्याचा प्रयत्न फटका फसलाय मैदानावर प्रोटेक्शन तैनात डीप मिड विकेटला समीर बॅक टू द पॅव्हिलियन जल्लोष ध्रुव ऑरियस फारसम क्रिकेट संघाचा। फटका फसला ताकत अपूर्ण एलिव्हेशन न होतं समीर शून्य धावसंख्येवर माघारी परतलाय अति घाई संकटात नाही वेगला शून्य धावसंख्येवर माघारी परतावं लागले पुणाजी शून्य धावा समीर शून्य धावा आणि विशांत आणि प्रीतम नवीन फलंदाज मैदानामध्ये। सुंदर कामगिरी मैदानावर आपण बघितली आहे ज्या खेळाडूचं कौतुक केलं
त्या कौतुकास्पद कामगिरी भेद गोलंदाजी मैदानाबाहेर टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून निशब्द करणारी गोलंदाजीला सुरुवात झाली आहे मैदानाबाहेर ते अमीर सळगावकरकडनं मैदानाबाहेर दोन्ही संघातील गोहर जे तगडे खेळाडू आहेत आमने सामने भिडत आहेत मैदानाबाहेर लिस्टिकचा बाहेरचा चेंडू पंच दोनास समांतर करतायत स्वेअर चेंडूचा इशारा करतायत अवंतरच्या स्वरूपात एक या धावसंख्येनं बोनस या धावसंख्येनं श्री गणेश झालाय भूमी स्ट्रायकर असलेला क्रिकेट सकाळचा 3-1 हा लेखा जोगा आपण पाहतोय मैदानाबाहेर आडव्या बँड फटका घेण्याचा प्रयत्न क्लीन बोल्ट 0 धावसंख्येवर माघारी परतलाय चौथा गडी माघारी परतलाय मैदानामध्ये नक्की काय चालू आहे सुंदर गोलंदाजी मैदानावर आणि सुंदर गोलंदाजीला प्रत्युत्तर देताना प्रत्येक खेळाडून नमस्कार आणि नमस्कार करायला सुरुवात केली आहे जो क्रिकेट संघ या मैदानावर सर्वाधिक धावसंख्येचा डोंगर रचण्यासाठी त्याने फलंदाजी घोषित केली आणि 12 मॅन थोडासा नाराज झालाय कारण प्रत्येकानं या मैदानावर हजेरी लावली आहे आणि नवीन खेळाडू मैदानावर सिद्ध बचाव वर्सेस एक धाव धाव फलकावर चार गड्यांच्या बदल्यात आणि जी एक धाव आली आहे ती स्वेअरच्या स्वरूपात वाईडच्या स्वरूपात सिद्ध गेल्या मैदानावर सर्व नाराज झाल्यात संघाची मधली फेळी फळी ही मात्र या मैदानावर 0 धावसंख्येवर माघारी परतले आहेत जे कार्य करायचे मैदानावर ते कर्णधाराला करावं लागेल येणाऱ्या कालखंडामध्ये ते विशांतला आणि सिद्ध वेर्णेकर ही जोडी मैदानावर विशांत असोडकर आणि सिद्ध वेर्णेकर पण काय दबदबा मैदानावर पहिलाय ध्रुव ऑरियस फारसे क्रिकेट संघाचा अमीर साळगावकरनं काही गोलंदाजी केली आहे सुरे एक फटका बॅकफुटला जाऊन फटका टोलवलाय मैदानावर खराब चेंडूवर आक्रमण केलंय पण चार धावा घोषित झाल्यात धावा कशा पण सुंदर गोलंदाजी मैदानावर पाहायला मिळाली पहिल्या चेंडूवर कुणाची माघारी परतला दुसऱ्या चेंडूवर रनआउटच्या स्वरूपात माघारी परतला विवेकला तिसऱ्या चेंडू या मैदानावर विकेटच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागलं प्रीतमला या मैदानावर समीरला नंतर प्रीतम माघारी परतलाय हा लेखाजोग आहे महत्वाचे चार गडी बाद झाले आहेत पण या खेळाडूनं सुरुवातीला हात खोललाय तो आक्रमण पसंत करतो गोलंदाजा बरोबर तुटून पडतोय असा सिद्ध वेर्णेकरनं चौकारनं खातं खोललं 5 धावपलकावर 5 चेंडूंचं खेळ समाप्तीनंतर 6-4 गड्यांच्या मोबदल्यात हा लेखाजोग आपण बघतोय तो भूमी स्ट्रायकर्स असणारा क्रिकेट संघाचा पुन्हा एकदा मोठा फटका आवर्पिच पद्धतीचा चेंडू डिस्कार लागला सिद्ध वेर्णेकर ऑन फायर डीजेएसएस बजाव लक्ष्मण उर्फ बाटू बटू या नावानं प्रसिद्ध तो आरसेमध्ये तो लक्ष्मण सज्ज झालाय समोर आहे विशांत असनोडकर नॉन स्ट्राईकला सीत या मैदानावर मोठा फटका आलाय फटका फसलाय 7 स्क्रीनवर आहे माघारी परतावं लागेल आता मात्र पहिल्या चेंडूवर संघाचा कर्णधार विशांतला नमस्कार करावा लागेल मैदानावर
थैंक यू। काय चाललंय मैदानावर, प्रत्येक खेळाडू येतोय जसा बंगासचा सामना बघितला पण राजाराम मोरे तरुडे संघ तसा सामना आता पाहायला मिळतोय। प्रत्येक खेळतोय, आक्रमक होतोय, नमस्कार करतोय, हा खराब क्रिकेट आहे। सेन्सिबल क्रिकेट, सन्मानजनक क्रिकेट खेळावं लागेल। एका दुसरा मोठा फटका, एकेर दीर धावसंख्या खेळाव्या लागतील। ज्यावेळी एका दुसरा मोठा फटका टोलवायचा असतो, एकेर धावसंख्या आपण जास्त भर देतो आणि त्यावेळी आपला सुंदर क्रिकेट मैदान होतोय। पण येणाऱ्या कालखंडामध्ये या मैदानावर फक्त हजेरी लावली, मैदानावर खेळाडू आलाय खेळाडू गेलाय हे दृश्य पाहायला मिळालं। पाच गडी बाद चालले आहेत आणि संघाचं तारणार जर भूमी स्ट्रायकर संघाला जर आता तारू शकतो तो फलंदाज रोहन साळगावकर आहे। ह्या खेळाडूकडे क्षमता आहे। देवगडची आनंदळी चॅम्पियन ट्रॉफी 51 धावांच्या बहारदार खेळी केली होती। फुल टॉस चेंडू होता मैदानावर, पहिल्या प्रयत्नात थोडासा फ्रंबल झालाय, परतीची फेक तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येची लहर, एक धावसंख्येने सांघिक धावपलक धावपलकावर 12 धावा धावपलकावर। आता मात्र रोहन साळगावकरला ती खेळी आटपावी लागेल। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक मोठी स्पर्धा आनंदळी चॅम्पियन ट्रॉफी 51 धावांच्या बहारदार खेळी केली होती। एकटा लढला होता, एक खिलाडी सेना बरोबर ती लढत करावी लागेल। पण प्रतिस्पर्धी संघाच्या राम नागवेकरनं जे कानमंत्र दिले आहेत त्या कानमंत्रांना अनुसरून या मैदानावर अमिर साळगावकरनं गोलंदाजीला सुरुवात केली आणि त्याचा कित्ता गिरवायला सुरुवात केली आहे लक्ष्मण उर्फ पट्टून। हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न होता, फटका बसला, संधी होती लक्ष्मणला। राम आक्रमक झालाय मैदानावर, एक या धावसंख्येनं सांघिक धावपलक धावपलकावर। झेल हे टिपायचं होतं, झेल होतं लक्ष्मणला, कुठेतरी पाय थोडस स्लिप झाला वाटतंय लक्ष्मणचं, दाखवतोय तो मैदानामध्ये आणि त्यामुळे त्याला झेल घेतपर्यंत पोहोचला तिथपर्यंत। एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावपलक धावपलकावर 13 धावा धावपलकावर षटक क्रमांक दुसरं प्रगतीपथावर 3 चेंडूंसाठी समाप्त झालाय। स्ट्राईकला रोहन साळगावकर, नॉन स्ट्राईकला सिद्ध वेर्देकर ही जोडी मैदानावर। कोलवट टप्प्याचा चेंडू मैदान खोदून काढायचा, धावस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू, पंच दोनात समांतर करतायत। प्रवीण सर चेंडूचा इशारा येतोय, चौथा धब्बा धावपलकावर। तीन चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय। 5 गडी बाद 14 हा लेखा चौघा भूमी स्ट्रायकर्स असणार क्रिकेट संघाचा मैदानावर। सुरेख यष्टीरक्षा मूर्ती लांबन कीर्तिमान छोटा पॅकेज बडा धमाका गोवा राज्यातील संघाची रणबशी, संघाचा कर्णधार सुंदर चेंडू अडवलाय राम नागवेकर मैदानावर। सुरेख गोलंदाजी आपण बघितल्या, सुरुवात केली या मैदानावर अमिर साळगावकरनं आणि त्याचा कित्ता गिरवायला सुरुवात केली या मैदानावर लक्ष्मण उर्फ भटून मैदानावर। रोहन साळगावकरला आज ताकद लावावी लागेल मैदानावर। खराब चेंडू बॅकफुटला जाऊन फटका टोलवायचा होता, शॉर्ट ठटम्यांचा क्षेत्ररक्षक संघाचा कर्णधार सागर मोरोजकर स्क्रीनवर आलाय। एकेरी धावसंख्येवर समाधान मानावं लागेल। सीतला मी म्हणे जीवदान मिळालंय, सीतनं दोन मोठे फटके टोलावल्यात पण सीतला या मैदानात शेवटच्या षटकापर्यंत खेळावं लागेल। संध्याकाळचं सत्र आहे, जरी धावा मैदानावर 55-50 झाल्या तरी फाईट असेल मॅच, कारण समोर तेवढी तगडी गोलंदाजी आहेत। दोन षटकं असतील रोहन साळगावकरचे, नामदेव मानवलीकरचे असतील ही भेदक गोलंदाजी, पण येणाऱ्या कालखंडामध्ये धावा या जमवाव्या लागतील भूमी स्ट्रायकर असणारा क्रिकेट संघाला। सुजित रिव्हर्सिपचा ढेक दिलाय फटका, टाइमचा वास करून देणार हा चेंडू सीमा रेषाबाहेर 6 धावांसाठी।
खबर रोहन साळगावकर स्ट्राइकला संघिक धावपलक धावपलकावर 21वा धावपलकावर धावपलकाचा विचार केला धावपलक सुरक्षित आहेत गडी बाद झाले 5 पण येणाऱ्या कालखंडामध्ये कार्य करावं लागेल अमिर साळगावकरनं एका षटकात 4 गडी बाद 11 धावा खर्च केल्यात आणि लक्ष्मणनं 10 धावा देत 1 गडी खर्च केलाय झेल सुटलेलं होतं जे जीवनदान मिळालंय सीतला त्यानं त्याचा फायदा उठवायला सुरुवात केली मैदानावर ते झेल टिपायचं होतं ते झेल बनवायचं होतं लक्ष्मणला सोडून दिला तो चेंडू ऑब्स्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पंच दोन आज समांतर करतायत स्वेर चेंडूचा इशारा करतायत अभंतच्या स्वरूपात 22वा धावपलकावर षटक क्रमांक 30 आहे प्रगती पथावर येणाऱ्या कालखंडामध्ये एका बाजूने या मैदानावर विचार केला तर धावा या मैदान जमवाव्या लागतील संध्याकाळचं 17 आहे 55-60 जरी धावा झाल्या तरी सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगेल मैदानावर वाऱ्याचा वेग कमी झालाय सूर्य मावळतीकडे जाईल मैदान थोडस थंड होईल थंडीचे दिवस आहेत म्हणजे येणाऱ्या कालखंडामध्ये या जोडीवर दारोमदार असेल ती भूमी स्ट्रायकर असणार क्रिकेट संघाची कोलवर टप्प्यात चेंडू वेगवान पद्धतीचा चेंडू ऑफसाईडचा चेंडू ऑन साईडला खेचून टोलवायचा होता डीप मिड विकेट डीप स्क्वेअर लेगच्या मधून रोहन साळगावकरचा प्रयत्न असफल राहिलाय मैदानावर प्रयत्न राहिलाय मैदानावर राम नागवेकरनं आपलं काम पूर्ण केलंय आणि निर्धाव चेंडूची गणना ही आमच्या धावपलकावर लगावत सांघिक धावपलक धावपलकावर आपण पाहतोय 22वा धावपलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात हा लेखा चुका आपण पाहतोय मोठा फटका पाहायला मिळतोय बॅकफुटला जागा बनवले एलिव्हेशन नव्हत्या फटक्याला ताकद नव्हती आणि संघाचा ज्याच्याकडे मैदानावर एका बाजूने आशा अपेक्षा होत्या त्याचा फटका फसलाय सीतची फलंदाजी सुरेख आहे मैदानावर पण सीतला जास्तीत जास्त स्ट्राईक मिळायला पाहिजे पण या खेळाडूंनी हजेरी लावली आहे आणि रोहन साळगावकर हा बॅक टू द पॅव्हिलियन डकआउटचा शिकार बनलाय बजाव एसएस सीतनं दोन मोठे फटके टोलवले एक चौकार हा त्याचा लेखा चौका आहे या मैदानावर सीत खेळतोय सीतनं सांगितलं तुम्ही काय करताय फक्त मला एक धबा काढून द्या मला स्ट्राईक द्या पण प्रत्येक खेळाडू आक्रमक झालाय आणि आक्रमक खेळाडूनं नमस्कार केलाय मैदानावर हलक्या हातानं घेऊन काढलाय चेंडूला फुल टॉस चेंडू होता मैदानावर जोखीम पत्करलं नाही मैदानावर एकीर धावसंख्येनं सांघिक धावपलक धावपलकावर 23वा धावपलकावर रोहन साळगावकरचा अहम विकेट माझ्यावर पाहायला मिळाला मैदानावर संघाची रन मशीन होती त्याच्याकडे ताकद होते पण त्या फटक्याला ताकद नव्हती आत्मविश्वास जास्त होता एलिव्हेशन नव्हतं त्यामुळे झेलबादच्या स्वरूपात सुंदर झेल टिपल्या डिप्स स्क्वेअर लेगला आणि माघारी परतावं लागलं रोहन साळगावकरला मैदानातून सांघिक धावपलक धावपलकावर 23वा धावपलकावर जसीत वेर्णेकरनं या मैदानावर एका बाजूला सुंदर खेळीला सुरुवात केली आहे तो खेळाडू सज्ज झालाय सीत तू आज लढावं लागेल मैदानावर भूमी स्ट्रायकर असलेल्या क्रिकेट संघासाठी तुला आज हुकमी एक्केची खेळी करावी लागेल सोडून दिला तो चेंडू ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू मैदानावर पंच दोन हात समांतर करतायत सवेरी चेंडूचा इशारा करतायत अभंतच्या स्वरूपात 1 या धावसंख्येनं 24वा धावपलकावर राम नागवेकर हा चतुराईनं नटलेला कर्णधार आहे त्याला माहिती आहे कुठच्या पद्धतीचे चेंडू टाकणार आहे सचिन तसे क्षेत्ररक्षण सजवू या मैदानावर भरपूर क्रिकेट खेळलाय तो ध्रुवसाठी आणि आज कार्य करतोय या मांद्रेम चॅम्पियन ट्रॉफीच्या माध्यमातून आपल्या संघासाठी आडव्या बॅटने फटका मारण्याचा प्रयत्न होता प्रयत्न बसलाय टोला वाईत कुठेतरी अलीकडे चेंडू लागलाय आणि माघारी परतावं लागेल ज्याने या मैदानावर शाप सोडली होती ती आपण आक्रमक असल्याचे तो सीत वेर्णेकर 7वा गडी बॅक टू द पॅव्हिलियन षटक क्रमांक
पर त्याचा कित्ता गिरवला लक्ष्मण उर्फ भटून आणि त्याचा कित्ता गिरवतोय आता मात्र सचिन पाडजी मैदानावर सुंदर गोलंदाजी आतापर्यंत पाहिलाय रोहन साळगावकर माघारी परतला आणि संघाचा एक का सिद्ध वेर्णेकरला बाद केलाय आले आले रिव्हर्स स्वीपचा फटका टोलवायचा होता म्हणून खराब क्रिकेट आहे गडी बाद झाले आहेत तब्बल सहा सात सहा ते सात गडी बाद झाले आहेत सात गडी बाद झाले आहेत आणि सात गडी बाद झाल्यानंतर आल्या आल्या स्विच हिटचा फटका थोडस खराब क्रिकेट बिमाने 24 धावा फलकावर सुंदर गोलंदाजी मैदानावर ह्या उभरते सितारेची सचिनची आपल्याला पाहायला मिळाली आहे हलक्या हाताने दिशा दिली आहे चेंडूला फक्त जमनी लगतचा फटका पाहायला मिळतोय वेगानं आलाय साहिर आज साहिलने ही स्पर्धा गाजवली आहे मांद्रेम चॅम्पियन ट्रॉफी भरपूर दिवसांनी खेळताना पाहायला मिळाला आज त्याची फलंदाजी बहरली आणि बहरलेली फलंदाजीने त्याने आपल्या संघाला जवळजवळ विजयापासून खेचून आणलंय उर्वरीची तीन षटकं आहेत उर्वरीची तीन षटकांमध्ये सांख्यिक धावपळकर किती धावांपर्यंत मजल मारतोय सात मोहरे गारज झाले आहेत पण येणाऱ्या स्लॉग ओव्हरमध्ये हे मात्र खेळाडू या मैदानावर आक्रमण पसंत करतील की प्रतिस्पर्धी संघाचा चतुर नटलेला कर्णधार कोणत्याही गोलंदाजावर जास्तीत जास्त या ठिकाणी प्रभाव ठेवेल या ठिकाणी भरोसा ठेवेल आणि येणाऱ्या कालखंडात प्रतिस्पर्धी संघ किती धावसंख्येला रोकेल हे सांगण्यासाठी सहयोगी समालोचक श्याम कलंगुटकर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जोडले जात आहेत Thank you, Yogesh. Sorry, looking batting card so far of the Bhumi Strikers. Asnora, 25 for 6 after 3 overs. Another 3 overs to go. Need to get at least 40 more. 35-40 would be a good total. Another 30-45. 30-40-45. Getting around 60-65 will be a defendable total with the bowling they have got. You get Amir early and Sahil early, you are in business. Meanwhile, it will be Lakshman. Swing missed. Dot delivery straight into the hands of Ram. So far, it has been excellent bowling by Amir. Picked up 3 wickets in the first over, 1 run out. Gave 11 runs. And Lakshman also supporting him. Advancing down the wicket, and this time it's a wide. Extras. Score moves to 26. In case if you have joined just now, then this is Mandrem Champions Trophy 2024. Organized by Mandrem Boys. Here in Mandrem. Winner will take home rupees 4,44,444. Runners up will get rupees 3,33,333. Third place will be awarded rupees 2,20,222. Fourth place will be getting rupees 1,11,111. So plenty to play for in this big Champions Trophy from Mandrem. Swing missed, dot delivery. It's only 2 men playing in the middle right now, Lakshman and Ram. And there is no contact with the bat at the moment. Just like how Lord Ram and Lakshman. And again, this time a wide. More extra. Score moves to 27. Fourth over in progress. This is the quarter-final one played between Bhumi Strikers Asnora and Dhruv Warriors Parsim. Bhumi Strikers Asnora deciding to bat first after winning the toss. Lost the main scalp on the very first rock. That was Punaji Kalangutkar. Got knocked over by Amir Salgaonkar. Swing missed. Dot delivery. Swinging, missing. Couple of wides. And just the batsman is completely missing at the moment. Maybe needs to read the delivery
maybe try to just shuffle across if he wants to access that mid-wicket and square leg region. Again, lets it go. That's a dot ball. Excellent bowling this. Just bowling in that corridor of uncertainty, giving nothing for the batsman. Just those two extras, otherwise has been superb with his line and length. Nicely bowled down the ground this time, down to Shubham Chandroji. Does well, throws it to the bowler. No, keeps it to him. Score moves to 28. Officials in this particular game, Sushant Salgaonkar along with Rupesh Gaunce. They are equally supported by Yogesh Dabolkar, aka Munna. And the scoring has been handled by Ms. Triveni Savant. Nicely worked. Down to third man, Ram. And he takes it in his own hands. So after completion of four, it's 29. 29 for six. 29 for six after completion of four overs. Bhumi strikers Asnora. Change in bowling, it will be Sagar Moreskar. Last two overs left. Let's see how much the Bhumi strikers from Asnora compile. Final 12 deliveries. Yes, Sagar Moreskar. Big hit in the air, fielder just gone over his head. Much needed one for the likes of Bhumi strikers Asnora. And Santosh is providing it. 10 of 2 deliveries. This time along the carpet, down the ground, down to Shubham Chandroji. Oh, a bit of fumble from him. Sahil, by the time he collects, throws it back. Two more runs have been added. Score moves to 41. Just that this team has bowled so well, fielded also well. Just this over has might have just shifted the balance in favor of the batting team, that is Bhumi strikers Asnora. Three deliveries, 12 runs have been scored. Short pitch delivery, that's big, that is massive. Ball boys, get the ball back.
And that one got thumped over the long on fielder. And Ram getting some info to his bowler. If now this one also get disappeared, the team meeting will increase between the members of the bowling team. Dhruv Warriors Parsim so far has been excellent. Santosh score moves on to 47. Final two deliveries of this penultimate over. In total, 8 deliveries left. Santosh on strike. Sagar to bowl to him. In the air. Fielder coming in. And he takes it. Sagar has the last laugh. It's 47 for 7. So new man in is Namdev Banavlekar. 47 for 7. Final 7 deliveries left in this innings of Bhumi Strikers Asnora. Deciding to bat first after winning the toss against Dhruv Warriors from Parsim. Sagar has just dismissed Santosh for 20. 47 for 7. Final delivery of this second last over, of this penultimate over. Neck and gone. Another wicket falls. 8 wickets down now. Bhumi Strikers Asnora. It's 47 for 8. Forty-seven for 9 on the board. Big head, and that's big. And with that, 50 up for Bhumi Strikers Asnora. They go on to 53 with that maximum. Fifty-three for 9. Final 5 deliveries. Can Aniket get 2 or 3 more to add some respectability on this total? No timing on that time. Won't be a single. So just a dot delivery. He wants to accumulate the strike, and rightly so. As the final batsman out in the middle, you just can't let him to face those deliveries when you are striking them cleanly.
and he can on strike yet again. Big head, and that's big. These are some late blows that he is punching on the bowling. Let that one go, and that's a dot delivery. Just that the fielder has been placed for that reverse sweep on the boundary row, back at the point, back at the point, back at the square. In fact, a square leg as well, deep mid wicket, and long off. Dot delivery again. And now the dot ball, so two dot deliveries. This is good comeback by Chandrakant. Final delivery coming up. 59 on the board. Still arguing. Final delivery coming up. Let that one straight to the fielder and will be a single to finish off. So 60 is the total that they have posted. 60 for 9. So the target will be 61 to win for Dhruv Warriors Parsim to reach the semi-finals. Talking about this batting card, nothing much. Just that Sid Wernekar scored 17. Santosh made 20 contributions in the late by Aniket. He scored 15. And Rohan Salgaonkar too. Rest all the other batsmen, they didn't even open their account. Talking about the bowling, Amir was fantastic in the first over. Gave away 11 runs, picked up that crucial wickets of Punaji, Vivek, Samir and Vishant. Well, talking about Lakshman as well, he was the pick of the bowlers. Bowled two overs, gave 14 runs, picked up one wicket. In fact, Amir is the pick of the bowlers. Well, rest they chipped in. So the target for Dhruv Warriors Parsim will be 61 to win this game and move into the semi-finals that will be played under lights in on Saturday. Meanwhile, it will be change in voice. It will be Ashok Naik, sir.
करने का यह टोटल 61 का टारगेट और रोहन सालगांवकर सामने से शुरुआत करते हुए गेंदबाजी में। ओवर पिच गेंद हाफ वाले पर लेकर एक बहुत ही सुंदर कवर ड्राइव डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे पारसे क्रिकेट टीम के 61 का टारगेट है। 6 ओवर का मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। पहली टीम पक्की होगी जो आज सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली इस प्रतियोगिता में। ऑन साइड पास लॉक स्वीप डीप स्क्वायर लेग से मारे कहां पर एक लाजवाब शॉट 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। सालगांवकर ये जोड़ी मैदान पर, रोहन सालगांवकर गेंदबाजी में, स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान से। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, मिडविकेट बाउंड्री पर फील्डर, एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर और रोहन सालगांवकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। इस बार फिर से उड़ाया, क्या मौका बनेगा कैच का, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर लंबी दौड़ लगाई, ओहो क्या छूटा। और जब तक गेंद को फील्ड करते एक रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, 2 रन। दोस्तों जरा जोरदार तालियां, आज के पहले दिन के 100 रन बनाने वाले ये बल्लेबाज साई लारोलकर। आज टूर्नामेंट का पहला दिन और पहले दिन में ये बल्लेबाज जिन्होंने 100 रन टोटल अब तक बनाए हैं। स्कोर आगे बढ़ा 10 पर, 61 का टारगेट है। नॉन साइकरन पर अमित सालगांवकर, सामने रोहन सालगांवकर गेंदबाजी कर रहे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चलेगी स्लिप की तरफ, शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 11 रन पर। एक मौका जरूर निकला है लेकिन उतना आसान मौका नहीं था। मिड विकेट से स्लिप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर लंबी दौड़ लगाई थी फील्डर ने और लगभग पहुंचे थे गेंद के नीचे लेकिन आखिर में हाथों से थोड़ी सी दूर हो गई। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर अमित सालगांवकर और बॉलिंग मार्ग पर रोहन सालगांवकर। फील्डिंग में परिवर्तन, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर को तैनात किया जा रहा है, एक मिड विकेट पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला कल का दूसरा दिन, 8:30 रिपोर्टिंग टाइम होगा और 8:45 को मैच शुरू होगा कल के दूसरे दिन का। ऑन साइड पर इस बहुत ही खूबसूरत शॉट फ्लिक किया, खूबसूरत देखे साइड डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, गेंद के पीछे 1 रन। और जब तक गेंद को उठाते स्क्वायर लेग बाउंड्री पर सिद्ध वेर्णेकर गेंद को फील्ड करते 2 रन के साथ अमित सालगांवकर ने अपना खाता खोला और टीम को आगे बढ़ाते हुए 13 पर पहुंचा टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। और स्वीप किया बड़े खूबसूरती के साथ, इस बार गेंद चली गई स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही शानदार शुरुआत ध्रुव वॉरियर्स पारसे क्रिकेट टीम की मैदान पर। 61 का टारगेट है। पहला ओवर पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 चौके लगते हुए बल्लेबाजी में रोहन सालगांवकर की गेंदबाजी पर और टीम का स्कोर 17 रन बिना किसी नुकसान से। डीजे
गेंदबाजी में परिवर्तन, नामदेव बाणावलीकर आ चुके गेंदबाजी में। पिछले मैच में क्या शानदार गेंदबाजी रही थी दोनों की, रोहन सलगावकर की और रामदेव बाणावलीकर की। राजाराम वॉरियर तलौड़ी क्रिकेट टीम को जो रुकना पड़ा इस प्रतियोगिता में, लेकिन इस ओवर में, पहले ओवर में पावर प्ले में 17 रन और नामदेव बाणावलीकर सामने साहिल आरुलकर स्ट्राइक पर। पुलरलेन की गेंद, एक अच्छी शुरुआत थी। इस गेंदबाज कवर पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर पुनाजी कलंगुटकर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टोटल सातवां मैच आज का पहला दिन मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी का। ऑल गोवा और सिंधुदुर्ग टीम जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी टीम हिस्सा लेती हुई। ऑन साइड पर बहुत ही बेहतरीन डीप फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए डीजे। नौ टीमों का हार का सामना करना पड़ा। बहुत बेहतरीन शॉट इस बार फाइन लेग बाउंड्री पर। फाली पर लेके लेफ्ट एक शॉट वाइड स्लॉन्गन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन मिल गए स्कोर के खाते में। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 29 टोटल बिना किसी नुकसान से। बहुत ही आक्रामक शुरुआत बल्लेबाजी में, खास करके साहिल आरोलकर आज का दिन बिल्कुल इस पहले दिन का उनके बल्लेबाजी बिल्कुल काफी प्रभावित करते हुए इस मैदान पर। और इस बार ऑन साइड पर नो मैच लैंड में स्कोर लेग बाउंड्री पर पावर प्ले में गेंद चली गई डीप स्कोर लेग बाउंड्री पर। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर डीजे। बहुत गेंदबाजी अच्छी रही थी आमिर साळगावकर शुरू में जो पावर प्ले का ओवर, और उसके बाद अब बल्लेबाजी साहिल आरोलकर की अच्छी गेंद। इस बार कलाई का उपयोग किया, मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। विकेट के पर पुनः जी आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ा 34 रन पर। 34 रन टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। खेल चलता हुआ मैच का दूसरे ओवर का, 6 ओवर का मैच है। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, एक टीम पक्की होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। और छोटे गेंद पुल किया, गेंद हवा में वाइड स्लॉन्गन और मिड विकेट के बीच में, और जब तक गेंद फील्ड होती तब तक 2 रन पूरे हो किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जो कि 36। पावर प्ले का 2 ओवर का खेल और पावर प्ले में 2 ओवर में टोटल बन चुका है 36। 36 रन बिना किसी नुकसान से, टारगेट है 61 रनों का। चार ओवर अभी भी खेल बाकी है 24 गेंदों का, और 24 गेंदों में चाहिए 25 रन। गेंदबाजी के लिए आ चुके रोहन साळगावकर अपने बॉलिंग मार पर, सामने साहिल आरोलकर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर आमिर साळगावकर। फील्डिंग में तब्दीली, पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद शाम के दौर में मुकाबला जारी दोनों के बीच में। देखना होगा कहां पर मुकाबला यह समाप्त होता है। और बल्ले से लगी गेंद चली गई थर्ड मैन की तरफ, थर्ड मैन पर फील्डर निशाना लगाया था, गेंद नहीं लगी स्टंपों पर, और इसी बीच में एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 35 35 रनों पर। तीसरे 37 टोटल
37 विदाउट लॉस। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी मैदान पर, और सामने थोड़ी सी परेशानी जरूर है भूमि स्ट्राइकर्स असलोड़ा क्रिकेट टीम, अब तक सफलता नहीं मिल रही है मैदान पर। अच्छा टोटल है 61 का टारगेट 6 ओवर में क्वार्टर फाइनल में, लेकिन बहुत आक्रामक बल्लेबाजी साहिल आरोलकर द्वारा। आगे निकले इस बार हवा में शॉट लौंगा बाउंड्री पर, और इसी के साथ पहली सफलता मिलती हुई भूमि स्ट्राइकर्स असनोडा क्रिकेट टीम को। डीजे थैंक यू डीजे। 37 लॉस ऑफ वन विकेट, मैदान पर आ चुके हैं राम नागवेकर। रोहन साळगावकर अपने बॉलिंग बार पर, अमित साळगावकर आउट होकर वापस, एक बड़ा शॉट खेलने के लिए निकले थे, अगर थोड़ी सी ऊपर से गेंद निकलती तो रन बन सकते थे, लेकिन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर तैनात था, उनके हाथों में गेंद चली गई और पहली विकेट चली गई मैदान पर ध्रुव वॉरियर्स पारसी क्रिकेट टीम की। अच्छी गेंद, बढ़िया क्रिकेट, हल्के से खेला गेंद को कवर पॉइंट पर, फील्डर राम नागवेकर ने अपना खाता खोला इस एक रन के साथ, एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 38 38 रन पर एक विकेट के नुकसान पर। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला मैदान पर दोनों के बीच में चलता हुआ, 61 का टोटल टारगेट है और देखना होगा किस तरह से यह मुकाबला समाप्त होता है। साहिल आरोलकर स्ट्राइक पर आ चुके और थोड़ा सा परिवर्तन फिर से एक बार, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक वाइड लॉन्ग ऑन, एक डीप लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग अप। इस बार हवाई फायर, क्या मौका बनेगा कैच का, जी बिल्कुल लॉन्ग ऑन पर फील्डर, और इसी के साथ दूसरा धक्का देते हुए रोहन साळगावकर इस ओवर में। डीजे जो बिल्कुल ठीक ठाक थी ध्रुव वॉरियर्स पारसी क्रिकेट टीम, अब 37 से पहला 38 पर दूसरा राम नागवेकर मैदान पर, और राम का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज शुभम शुभम चंद्रोजी मैदान पर। अपेश केला थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर पर नो मैन्स लैंड में, पहला रन बड़ी तेजी के साथ दूसरे रन के लिए पलटे, थोड़ी सी अड़बड़ाहट फील्डिंग में, मिस फील्डिंग, उसी का फायदा उठाते हुए दो रन बन गए स्कोर के खाते में, और इन दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा टोटल 40 रन पर, दो विकेट पर 40 रन। 21 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए, और आने वाला इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल मैच का अभी भी बाकी।
कला का उपयोग किया। मोड़ा सेली मैदान पर फील्डर रन के लिए निकले थे, खतरा हो सकता था मैदान पर, लेकिन वहां पर बच गए। तो इसी के साथ तीन ओवर का टोटल खेल समाप्त हुआ और तीन ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 40 रन। आने वाले तीन ओवर का 18 गेंदों का खेल बाकी है और मैच को जीतने के लिए चाहिए 21 रन। कल के दिन में दूसरा दिन 8:30 रिपोर्टिंग टाइम रहेगा मैच के साथ। 8:45 को मैच शुरू होगा कल के दूसरे दिन का, लेकिन उससे पहले आज पहले दिन की शाम ये बिल्कुल ढलती हुई और कौन सी टीम जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी कल आज के पहले दिन में। और पुनः जी अपने बॉलिंग बार पर सामने बल्लेबाज है राम नागवेकर, उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। फील्डिंग दूर दूर जमाई गई मैदान पर आज का पहला दिन। कट किया सिलेमेडा पर एक बहुत ही आसान सा मौका निकला था कैच के लिए, सिलिमिड अप पर कैच के लिए एक मौका जरूर निकला था, लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए फील्डर राम नागवेकर जो स्ट्राइक पर सामना कर रहे उनके लिए मौका निकला था। थोड़ी सी चर्चा बीच में मैदान पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में और दैनाथ से ओवर द विकेट पुनः जी अपने बॉलिंग बार पर। और इस बार बैकफुट पर निकले गेंद को खेला ऑनसाइड पर मिड विकेट पर, फील्डर एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा टोटल 41, 41 रन अभी भी चाहिए 20 रन टोटल मैच को जीतने के लिए, और 20 रन बनाने के लिए गेंदे बची है 15। शुभम सामने स्ट्राइक पर उन्हीं का साथ देते हुए राम और सामने पुनः जी थोड़ा सा फिर से अपने फील्डिंग को परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंडर बैटर है स्ट्राइक पर, उसीलिए फील्डिंग में परिवर्तन हो रहा है मैदान पर। बेहतरीन शॉट, शॉट ऑन पोल, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हवाई फायर, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्स और छह रन के लिए। थोड़ी सी जानकारी कल के मैच के साथ, कल खेलने वाली टीम है एसके जॉगिंग कंडका और मांद्रेम बॉयज मांद्रेम, जो पहला मैच होगा कल के दिन का। और उसी के साथ नो चांस होड़ावड़ा, इंडियन कैपिटल तालेगांव, श्री स्पोर्ट देवबाग, देवबाग रिलायंस आरोंदा, आरोंदा भूमिका इलेवन कंडका और सातरी मातोंड, ये कल के दिन में टीम हिस्सा ले रही है इस दूसरे दिन में, लेकिन पहला मैच होगा मांद्रेम बॉयज मांद्रेम वर्सेस एसके जॉगिंग कंडका। बढ़िया क्रिकेट, एक बड़े शॉट के बाद सिंगल के लिए निकले क्या दूसरे रन के लिए, जी बिल्कुल नो, मना किया, बिल्कुल खतरा था, लेकिन इन वक्त अपने पॉपिंग क्रीज में नॉन स्ट्राइक रन पर शुभम वापस, एक रन बन गया स्कोर के खाते में और इस एक रन के साथ स्कोर 48 पर पहुंचा, 48 लॉस ऑफ टू विकेट। चौथा ओवर जारी है मैच का और अब चाहिए मैच को जीतने के लिए 13 रन। थोड़ा सा अपेश केला नो मैच लैंड में, एक रन के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और ध्रुव वॉरियर्स पारसी क्रिकेट टीम के हिस्से के साथ 50 रन पूरे हुए।
चार ओवर का खेल समाप्त हुआ, चार ओवर के बाद टोटल 50 रन आने वाले, दो ओवर 12 गेंदों का खेल और मैच को जीतने के लिए चाहिए 11 रन। कल पहला मुकाबला एसके जॉगिंग कांड का, मांद्रेम बॉयज मांद्रेम जो 8:30 रिपोर्टिंग टाइम 8:45 को मैच शुरू होगा, कल हिस्सा ले रही है नो चांस ओडावडा, ओडावडा क्रिकेट टीम, इंडियन कैपिटल तालीगांव, श्री स्पोर्ट देवबाग देवबाग और रिलायंस आरुंदा और भूमिका 11 कांडका, उन्हीं के साथ सातेरी क्रिकेट टीम मातोंड, ये कल के दूसरे दिन में हिस्सा ले रही है और देखना होगा। दो ओवर का खेल अभी भी मैच का बाकी है, 12 गेंदों का और 12 गेंदों में 11 रन मैच को जीतने के लिए ध्रुव वॉरियर्स पारसी क्रिकेट टीम को। बॉलिंग में परिवर्तन, सिद्ध वेरनेकर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर शुभम, और छोटी गेंद पुल किया, गेंद मिड विकेट पर बिल्कुल हमारे मान्यवर कक्ष के सामने आती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए, छोटी गेंद इस बार और छोटी गेंद पर शॉर्ट आर्म पुल, शुभम चंद्र जी के बल्ले से निकला छक्का, 6 रन मिल गए स्कोर के खाते में और 6 रन के साथ स्कोर टोटल 56, लॉस ऑफ 2 विकेट, 56 रन 2 विकेट पर। अब चाहिए 5 रन, क्या बड़े शॉट के साथ ध्रुव वॉरियर्स पारसी क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। हल्के से मोड़ा कलाई का उपयोग करके पहले रन बड़ी तेजी के साथ स्क्वायर लेग पर, बाउंड्री पर फील्डर हाना हाना, दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और जब तक सुशांत गेंद को उठाते फील्ड करते और 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में, स्कोर पहुंचा 58। कमेंट्री बॉक्स में शाम कलंग उठकर, योगेश परब, मैं अशोक नाइक, आप सभी का एक बार फिर से आज के पहले दिन में शाम के दौर में स्वागत, मंच पर सम्माननीय अतिथि आपका भी स्वागत। स्कोरिंग की जानकारी दे रहे त्रिवेणी सावंत और टेनिस के डॉट इन की गौरव सावंत की पूरी टीम और SS DJ, आप सभी का स्वागत। ओ हाफ वाले पर लेकर उड़ाया, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर और इसी के साथ आज के पहले दिन का खेल समाप्त हुआ। ध्रुव वॉरियर्स पारसी क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करती हुई आपका अभिनंदन। भूमि स्ट्राइकर अस्नोडा क्रिकेट टीम आने वाले टूर्नामेंट के लिए आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और ले चलेंगे आज एक बार फिर से बड़ी इनिंग खेली साहिल आरुलकर ने 25 रन की, लेकिन पावर प्ले में जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की वह बहुत ही लाजवाब स्पेल था पहले ओवर का। पुना जी कलंग उठ करो को बिल्कुल खाता नहीं खोलने दिया, शुरू के 5 बल्लेबाज जो शून्य पर आउट हुए, शुरू के 5 बल्लेबाज और टोटल 7 बल्लेबाज जो शून्य पर आउट हुए, तो क्या बल्लेबाजी रही भूमि स्ट्राइकर अस्नोडा क्रिकेट टीम की। तो मैन ऑफ द मैच इस मैच का जिन्होंने पावर प्ले में 11 रन दिए 3 विकेट चटकाए वो अमीर सालगांवकर मैन ऑफ द मैच। चलिए जुड़ जाते हैं शाम कलंगुटकर के साथ इस मैन ऑफ द मैच के साथ। अमीर सालगांवकर पावर प्ले में पहले ओवर में 11 रन 3 विकेट पर, 7 बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए।